घूम रही थी मम्मी तुम? बेचारे के सारे बाल हट गए, इसको पूरी बॉडी में हो रहा ना। गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोग का अंशुभिष व्लॉग्स में। मेरे को पता बहुत टाइम से व्लॉग नहीं है और तुम लोग सोचोगे अंशु भाई कहाँ गए, तो मैं आ चुका हूँ भाई। और आज का व्लॉग बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि होने वाला है एक चैलेंज बहुत मजेदार। बट उससे पहले लाइक पापा पापा भी है ना, सो पापा मम्मी मैं शिवांगी हम सभी लोग हैं, तो उस चैलेंज से पहले ना हम लोगों को जाना पड़ेगा। क्योंकि ये देख रहे हो तुम, ये चिप्पी और पॉम्पी को तो पता नहीं नहला के शायद से मम्मी लोग ले गए कहीं को पता नहीं, लेकिन उसको ना दवाई लगनी है क्योंकि उसके ना खुजली उजली हो रही है। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा भाई, उसको खुजली उजली हो रही है एकदम गंदी सी है ना। वो शरीफा दिखा दिखा, वाह दिखाना जरा, हो भी रहा है। अच्छा पका नहीं है ना ये अभी भाई, ये इतना टेस्टी होता है ना यार। कोई बात नहीं, इसको मैं अपने वहां पे रख लेता हूँ कुछ रुमाल बन बटा के। ओके लेकिन पकने के बाद मैं भी खाऊंगा, ठीक है दोनों खाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को दे दे ला, मैं पका दूंगा। चलो कोई बात नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। तो चलो अभी फटाफट से पोम्पी को लेके जाते हैं, उसको दवाई ववाई इंजेक्शन इंजेक्शन जो भी लगेगा वो लगवा के आते हैं। और इसको भी लेके जाना पड़ेगा, इसको भी पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन लगने, ये भी क्योंकि अब बड़ी हो गई है तो इसको भी फटाफट से लगा के आते हैं। उसके बाद शाम को करेंगे मस्त चैलेंज आज, ठीक है गोलगप्पा ईटिंग चैलेंज। ये भाई क्या कर रहे होंगे पता नहीं, बेचारा अकेला, ये लास्ट है हमारे पास, ये मुर्गा बचा है बस, बाकी एक को बिल्ली ले गई, बाकी को पता नहीं ये सिब्बू ले गई पता नहीं कहाँ। देखो इसको 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 पकड़ा नहीं जा सकता, देखो लेकिन देख रहे आने नहीं देता हाथ भी। ओके ओके मम्मी जी, मम्मी जी तुम खाना खिलाओगी नहीं खिलाओगी आज मेरे को? है मैं इतनी मुश्किल से आज जल्दी उठाऊ पता है इस चैलेंज के चक्कर में कि मैंने कल को सोचो। हाँ तू बोल ले पहले। मैंने भाई सच्ची में सोचो, मैंने काम रात भर करा मैं तब भी जल्दी उठाऊ, मेरे को ये चैलेंज आज करना ही था भाई, मजा आ जाएगा। तो मेरी इज्जत ने मेरे को खाना ही नहीं दिया है सुबह से, पता है कहाँ घूम रही थी मम्मी तुम? है कहाँ घूमा जा रहा था बताना मेरे को जरा। बस दो मिनट देख रहे हो ना भाई, अब तुम समझ जाओ मेरे को कहाँ से आता है कि मैं बोलता हूँ ना हर मिनट में दो मिनट में मिलता हूँ, दो मिनट में हो जाएगा, माइनक्राफ्ट वालों को पता होगा। गाइस यार नाश्ता आ गया मस्त करके, पराठे हैं, चाय है और नमक है पिसा हुआ, तो अब हम खाएंगे। ओ बेटा व्हाट इज दिस रोट खाचा नूड पिस। तो गाइस यार नाश्ता वास्ता अपना कंप्लीट हो चुका है, अब मैं तुम लोगों को एक मस्त चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल एकदम रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है मेरे हिसाब से, लाइक मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगी है। एक काम करते हैं कंप्यूटर पे जाके बताता हूँ, बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज के बारे में जो कि है टेक पावर्ड मैजिक क्रेडिट कार्ड वन कार्ड। बिल्कुल सही गाइस, ये जो है ना ये एक बहुत ही क्लासी और यूनिक चीज है। अब तुम लोग पूछ रहे हो कैसे, तो ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है जिसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है और वो भी फॉर फ्री लाइफ टाइम। बाकी गाइस अगर बात करें वन कार्ड के ऐप के बारे में, तो इसमें आप अपने स्पेंड्स को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो और साथ ही में इसका 4x 1% तो आपके इंटरनेशनल स्पेंड्स के लिए एकदम बेस्ट है। बाय चांस मान लेते हैं अगर आप लोगों को INR टू USD कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1% फीस लगेगी एंड दैट्स ऑल। बाकी इसमें और भी बहुत सारे कूल फीचर्स है लाइक स्वाइप टू पे, तो आप लोगों को कोई भी OTP नहीं चाहिए। बाकी गाइस बात करूं अगर वन कार्ड के मेरे फेवरेट फीचर के, तो वो है फैमिली फीचर। लाइक उससे आप अपने फैमिली मेंबर्स को वन कार्ड दे सकते हो और अपनी क्रेडिट लिमिट से उनकी लिमिट सेट कर सकते हो। वन कार्ड के ऐप के अंदर आप लोगों को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जो कि आप लोग बिना किसी फी के रिडीम कर सकते हो, और बाकी यार ये कभी एक्सपायर भी नहीं होते हैं। प्लस आप लोगों को हर एक स्पेंड पे रिवॉर्ड मिलता है और कभी कभी 5 टाइम बूस्ट रिवॉर्ड भी मिलता है। और इसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स भी है, जैसे कि आपका स्पेंड एनालिसिस हो गया, मतलब आप लोग कितने रुपए कहां खर्च कर रहे हो आप लोग सब कुछ देख सकते हो। और सबसे कूल फीचर है भाई इसका एडवांस कंट्रोल, कहने का मतलब आप लोग जो भी अपने दिमाग में सोच सकते हो ना अपने कार्ड के बारे में वो आप इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है। बाकी यार ऐप के अंदर और ऑफर्स तो चलते ही रहते हैं हर टाइम, तो जल्दी से जाओ वन कार्ड ऐप को डाउनलोड करो, आज ही लो अपना वर्चुअल कार्ड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जल्दी से डाउनलोड करो। चलो भाई चलो दोनों को गाड़ी में। अबे ये क्या कर रही है, अबे इसको जाने का ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो इसको डर रही है। पॉम्पी भी देख रहे हो कहाँ पर है वो प्रॉपर, भाई इसको याद है क्योंकि इंजेक्शन की पिछली बार पड़ा ना इसको रेबीज, गाड़ी में तो ले गए थे। चलो भाई चलो फटाफट से डाल दो आने दो आ जाओ चलो ले आओ चलो दोनों को अंदर चल चिप्पी। हाँ क्या वो वहाँ जाके लेट गई हो?
देखो दोनों को देखो, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं इनको, क्या कर रही है। देखो इसको देखो, खुजली होने लगी, देख रहे तुम लोग। पंपी खुजा मत, बैठ जा। आज हमारी गाड़ी डॉगी गाड़ी बनी हुई है, ठीक है, बड़ा चलता है। इनको इंजेक्शन इंजेक्शन, भाई ऐसी बदबू आ रही है गाड़ी के अंदर, बता नहीं सकता मैं तुम लोगों को भाई। ये पड़ी पटकी जाएगी को। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो गाइज यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ज्यादा ही टाइम लग गया, ट्रैफिक होता। तो ये रहा पेट क्लिनिक, केयर क्लिनिक, और बाकी ये देखो ये तो सो गई भाई मस्त गाड़ी में। इसने जितना परेशान करा है पीछे खच्चे खच्चे। चले मम्मी फटाफट अब चले, आ जा इंजेक्शन लगवा के आते तेरे को। भाई इसको एक बार देखो, इसको थोड़ा सा अंदर को ले गया मैं, इसको याद आ गई लग रहा था, पूरा कांप रहा है देख रहे तुम। वाह बेटे वाह, ये देख लो भाई इसको याद है ना, इसको इंजेक्शन यही लगा है, कांप रहा है, बैठ नहीं रहा दो मिनट भी। तो गाइस अभी डॉक्टर अंकल बोल रहे हैं बेचारे के सारे बाल हट गए, इसको पूरी बॉडी में हो रहे ना, तो अभी वो सारे बाल हट गए। हाँ चलो एकदम खड़ा हो गया, तो ये पूरा गंजा होगा आज। कैसे लेट आवा देखो, ये देख रहे हो इसके बाल हटाए तब जाके दिख रहा है इसके पीठ में कैसा हो रखा है, एकदम गंदा सा भाई। तो पोम्पी का तो अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। ये भाई गाड़ी का नंबर प्लेट देख के वहाँ से पता नहीं कैसे पता चल गया, गाड़ी का नंबर प्लेट देख के डायरेक्ट यहाँ पे। इसको देखो एक बार कैसा लग रहा है। अभी फनी तब होगा जब जग्गू को जाके घर में बताएंगे कि हम लोग दूसरा कुत्ता उठा लाए पोम्पी को देखे। तो पहचान में नहीं आ रहा यार। गाइस सब कुछ हो चुका है, शिवांगी यहाँ बैठी हुई है और हमारा गंजा कुत्ता ये रहा। भाई कैसा लग रहा है, सिबो ले लेकर आना पड़ा, और अभी तो बहुत केयर करनी पड़ेगी इसकी पीठ वीट की, इसको भी रेबीज रेबीज का सारे इंजेक्शन लग गए। अब चलो शिवांगी ये पकड़ो। तो भाई चलो फटाफट से घर चलते हैं और उसके बाद करेंगे गोल गप्पा। चले तो गाइस यार फाइनली घर भी पहुंच चुके हैं, गाड़ी अभी के लिए यहाँ पे लगा दी है। शिवांगी वहां चिप्पी का वो खोलिए कॉलर वॉलर, अभी फटाफट चलते हैं। हाँ भूख लग रही है बहुत तेज, मम्मी भटकी चुटकानी बात बना दे, उसके बाद शाम को करेंगे गोलगप्पा चैलेंज, बहुत ज्यादा मजा आएगा भाई, मैंने कब से गोलगप्पे नहीं खाए। देख जाको हम लोग तेरे नया डॉगी लेके आए, पोम्पी को हम वहीं छोड़ा है, ठीक है। क्या पोम्पी रखा है ये? नहीं, यार ये नया डॉगी है यार, देख नहीं रहा ऐसा था हमारा पोम्पी। हाँ गंजा कराए हम उसको, चल पोम्पी चल आ जा। अरे भाई साहब भगा रहे तो। यार मैं अभी अपनी फ्लीट असेंबली वाली वीडियो ही देख रहा था बैठ के मस्त करके, बट अभी हम लोगों को फटाफट से चलना है और गोलगप्पे लेके आना है क्योंकि पापा जी आ चुके हैं, तो चैलेंज अब स्टार्ट हो सकता है दोस्तों। तो देखो पास पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो खाली फिर कार रह के फायदा नहीं है, निकालना पड़ता है फिर लगानी पड़ती है। तो आज हम लोग बाइक लेके जाएंगे, बाइक कब से निकाले गंदी हो रखी एकदम। तो गाइस यार फाइनली पहुंच गए, गाड़ी अभी के लिए यहाँ पे खड़ी है, मस्त करके पैक करा रहे। मैं सोच रहा हूँ 20 पैक कराते हैं, ठीक है 20 पैक कराते हैं, 10-10 खाएंगे, जो सबसे पहले खाएगा वो जीतेगा। खा लोगी ना? हाँ, हाँ। भाई इसको अपनी टीम पे लेके गलती ना कर दूं मैं। चलो गाइस अब फटाफट से इसको दो प्लेट में लगाते हैं मस्त करके, सूजी वाले लेके आए, पता नहीं आटे तुम लोग कॉमेंट में बताना आटे वाले अच्छे होते हैं सूजी वाले। बाकी अभी फटाफट से हम लोग बनाते हैं, दो प्लेट में लगाएंगे। मैंने सोच लिया है फाइनली हम लोग क्या करने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे दो प्लेट में लगाएंगे 10 गोलगप्पे, ठीक है। हम लोग 10 गोलगप्पे, शिवांगी और मेरी टीम, मम्मी और पापा की टीम। अगर हम लोग जीत गए तो मम्मी से हम जो बोलेंगे मम्मी वो हमें बना के देगी, और अगर बाय चांस मम्मी और पापा जीत गए तो जो मम्मी पापा कहेंगे 24 घंटे वाला चैलेंज मम्मी पापा के साथ हम लोग करेंगे अगला, ठीक है। तो गाइस चैलेंज के लिए हम लोगों ने टेबल वेबल सब कुछ तैयार कर दिया एकदम। ये रहा हमारा आलू आलू, ये रहा हमारा वो बताशा, और ये हो गई हमारी हरी चटनी, और ये लाल चटनी मतलब मीठी और खट्टी। तो पापा मम्मी और बाकी जग्गू किसी की टीम में नहीं जाता, तो ये क्या बोलते हैं उसको, बिचौलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं पापा जो दोनों टीम के लिए खेलता है, इसके हाथ में जो पड़ गया वहां से खा ले गए, ठीक है। हमारी टीम से या पापा की टीम से। तो हम लोग क्या करने वाले, सिंपल है ठीक है। तो करना क्या है, अब हम लोग खाएंगे गोलगप्पे, जिसने पहले अपने 10 गोलगप्पे खत्म कर दिए ठीक है वो जीत गया। अगर बाय चांस हम लोग जीतते मतलब मैं और शिवांगी अगर जीत गए तो हम लोग मम्मी से जो बोलेंगे मम्मी और पापा से, वो मम्मी और पापा रात को बनाएंगे खाने में, ठीक है कुछ हो जाए। और अगर बाय चांस मम्मी पापा जीत जाते हैं तो 24 घंटे के लिए, अगले संडे को क्योंकि पापा की छुट्टी नहीं थी, तो अगले संडे को 24 घंटे के लिए पापा मम्मी जो बोलेंगे
वो मैं करूंगा। 24 आवर चैलेंज होगा पापा मम्मी के साथ। अगर पापा मम्मी जीत जाते हैं तो ठीक है, जो बोलोगे वो होगा, लेकिन जीतना पड़ेगा अभी। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। मैं तो तैयार नहीं हूँ, मैंने कब से गोलगप्पे नहीं खाए यार, बस जीत जाऊँ आज रात को कुछ तो बढ़िया बढ़िया खाएंगे दोनों भाई बहन। रेडी तैयार, 1 2 3 गो। वो तो जीतना है भाई यार, उनके तीन जल्दी खाऊंगी हारना क्या। अरे ना आलू डाला भी है। अबे हमारे 3 और बचे हैं अभी, क्या सही में खा भी दिया तुम लोगों ने? हम जीत गए, ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैंने खाया जाया तो यार कब खाए इसकी वजह से हुआ है। गाइस ये देखो पापा लोगों ने तो अपने सारे खत्म कर दिए, ये शिवांगी के बच गए सारे, मैंने तो अपने 5 खा दिए, इसने 2 खा रखे हैं बस। इतने धीरे खा रही है यार ये, और ये राक्षस भाई हमें तो लगा था कि हमारे इसमें से भी खा लेगा 1-2, इसने ताई ताऊ के इसमें जो लपक लपक के खाए हैं ना, मैंने देखा इसको 2 मिनट, इसने भाई 2-3 तो यही खा गया छोटे छोटे सा। भाई मैं सोच रहा था कि क्या क्या ही होगा भाई, जग्गू तो है, क्या कर लेगा, कितना खा लेगा, इसकी वजह से हारे हम लोग, देख रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, हार गए तो हार गए, अब जो भी हुआ जैसा भी हुआ। ये पापा भाई ये देखो तुम, पापा और आप खा रहे हैं अभी यार। अच्छे हो रहे थे ना, जुड़ने दो ना, बढ़िया हो रहे थे। हाँ हाँ वो तो बढ़िया रहे थे। तो देखो अब हम लोग हार गए, तो अगले संडे पापा मम्मी जो बोलेंगे 24 घंटे के लिए वही होगा। ठीक है, जहाँ जाना है जो जो करना है लिस्ट बना लेना। अब अगले संडे मिलेंगे एक और चैलेंज के साथ। मैं बता रहा हूँ कि जग्गू की वजह से आ रहा हूँ मैं, इसने यार 2-3 छोटा सा दिखने का है, ये खा गया सारा ये इसने पक्का। चलो अब लास्ट एक बचा हुआ है, जरा थोड़ा सा ये और मीठा वाला पानी भी तो खाएंगे। मेरा कटोरी लगा लो और। भाई मैं ना 20 गोलगप्पे गलत लेके आया, मैंने कायदे 40 गोलगप्पे लेके आने चाहिए थे, मेरे को क्या पता था ये लिटरली 10-20 सेकंड का चैलेंज हो जाएगा। भाई ऐसे ऐसे लपकाए गए हैं, मेरा तो मुंह तक नहीं खुला था भाई, गोलगप्पे ही गायब हो गए सारे। लेकिन तुम लोग बताना अगर तुम लोगों को ऐसे चैलेंजेस और बहुत सारे देखने होंगे, क्योंकि मेरे को ये करने में बहुत ज्यादा मजा आया। बाकी वही था यार कि ऐसा मम्मी पापा लोगों के साथ में ज्यादा कुछ ऐसा मजेदार करता नहीं हूँ ना अभी तो, क्योंकि तुम्हें पता ही है लाइक मैं ज्यादातर गेमिंग करता रहता हूँ, तो फिर वही रहता ना कि लाइक ऐसे कमरे में बंद रहते तो पूरे टाइम मम्मी पापा से हमें बहुत कम मिलता, तो ऐसे चैलेंजेस करने में मजा आता है, तो व्लॉग बनाने में मजा आता है। तुम लोग बताना अगर ऐसी व्लॉग तुम्हारे और चाहिए होंगे। बाकी अभी तो एक 24 आवर चैलेंज करने ही है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो गाइस मैं अभी अपने काम पे लग गया था वापस से, मैं कुछ थंबनेल बना रहा था, यहाँ देखो शिवांगी थोड़ा सा बचा हुआ था करके, ये पानी वानी बच गया था, तो शिवांगी अपने पापा की दुकान से ये लेके आ गई और आप इसमें मस्त करके और खा सकते हैं। देखो दिमाग तो है शिवांगी के पास, कुछ भी बोलो भाई तुम।